नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य ललित आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का विषय है सर्वाइकल। सर्वाइकल आपका नेक रीजन का एरिया सर्वाइकल के नाम से जाना जाता है। इसमें 7 वर्टिब्रा होती हैं, C1 to C7। इसमें आपका जो स्कल है, आपका स्कल का एंडिंग पॉइंट और आपके शोल्डर का स्टार्टिंग पॉइंट, इसके बीच में जो आपका नेक रीजन होता है, इसमें 7 वर्टिब्रा होती है। इनमें किसी तरह का अवरोध होना, अकड़न होना, स्टिफनेस होना, वातजन्य रोग का कुपित हो जाना या कई अन्य कारण जैसे मोबाइल पर झुककर बैठे रहना, लैपटॉप या डेस्कटॉप पर काम करते रहना, बच्चे भी आजकल ज़्यादा झुककर किताब पढ़ते हैं तो उस स्थिति में भी सर्वाइकल होने की ज़्यादा चांसेज होते हैं, या फिर जो लोग सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं उनमें भी ये समस्या देखी जा सकती है। लॉन्ग ड्राइव करने की जिन्हें आदत रहती है तो उनमें भी सर्वाइकल लीजन में स्टिफनेस। लक्षण क्या हैं? अगर सर्वाइकल लीजन में C1 से लेकर C7 तक के वर्टिब्रा में किसी तरह का अवरोध होता है तो वो बॉडी में रोग उत्पन्न जरूर करता है। तो उसमें अगर C1 से C3 के वर्टिब्रा में अकड़न है, अवरोध है या किसी तरह की संकुचन है तो वो माइग्रेन, सरदर्द, लगातार सरदर्द बना रहना, कान से सुनाई कम देना, आँखों में बहरापन, जबड़े में अकड़न, इस तरह की समस्या देखी जाती है। और अगर C4 से C7 के वर्टिब्रा में स्टिफनेस है तो उसे कंधों में अकड़न, हाथ का सुन पड़ जाना, ग्रिपिंग पावर कम हो जाना, या कई बार लेफ्ट साइड में अकड़न कुछ ज़्यादा रहती है तो उससे हार्ट की ब्लॉकेज और हार्ट अटैक की समस्या भी बन सकती है। अगर सर्वाइकल रोग होता है तो इसको इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। जहाँ ये प्रॉब्लम डे बाई डे बढ़ती जा रही है, खासतौर पर ये यंग जनरेशन में आजकल कुछ ज़्यादा देखने को मिल रही है। आज हर 10 व्यक्ति में से 3 से 4 व्यक्ति सर्वाइकल की समस्या से पीड़ित है। इसमें हर 3 में एक व्यक्ति सर्वाइकल की समस्या से जूझ रहा है। तो इस समस्या का निजात पाने के लिए कुछ उपाय हम एक्यूप्रेशर विधि बताएंगे, जिनका प्रयोग करके आप जहाँ आपको इंस्टेंट 70-80% आराम मिलेगा ही, वहाँ कंटिन्यू 15-20 दिन तक इसका नियमित प्रयोग करेंगे आप इसका जड़ से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये देखिए, आपका जो थंब है आपके हेड को रिप्रेजेंट करता है, इसका जो बैक साइड है ये एरिया आपकी गर्दन का जो पीछे का एरिया, इसमें ये हमने जो मार्क किया हुआ है 7 वर्टिब्रा हैं। आपको इस एरिया में धीरे धीरे इस तरह से आप स्टिमुलेट कर सकते हैं इस एरिया को, ये प्रोब है या जिम्मी की सहायता से। अदरवाइज उस दौरान आप एक नॉर्मल, आपके पास घर में एक पैन भी होगा तो आप इस एरिया की मसाज कर सकते हैं। ये मसाज आपको 1-2 मिनट तक करनी है। आप ऐसे भी मसाज कर सकते हैं या फिर इस तरह से आप इस एरिया में मसाज दे सकते हैं। ये मसाज आप दोनों थंब में दे सकते हैं। इस तरह से आपको 1-2 मिनट तक इस पार्ट को स्टिमुलेट करना है। इसके साथ साथ आप अपने अंगूठे की सहायता से भी इस एरिया को स्टिमुलेट कर सकते हैं। 1-2 मिनट तक आप इस तरह से इसमें मसाज दे सकते हैं। दोनों हाथ के अंगूठे में आप इस तरह से इस एक्यूप्रेशर सुजुक थेरेपी का यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका लेफ्ट कंधे में दर्द है, स्टिफनेस है, तो उस दौरान आप अपने लेफ्ट हैंड में आपका जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर का जो लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर भी आप 2 मिनट तक इस एरिया में भी आप मसाज दे सकते हैं। अगर सेम वही राइट हैंड में आपका स्टिफनेस है तो आप अपने दाहिने हाथ की इंडेक्स फिंगर में भी आप मसाज दे सकते हैं। इसके अलावा आपका एक पॉइंट और है, आपका जो रिस्ट है, रिस्ट में इस तरह से हमारी हड्डी उठी रहती है, यहाँ पे कलाई के पास एक हड्डी है और एक इस तरफ से, ये एरिया भी आपके सर्वाइकल लीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस एरिया में भी आप इस तरह से आप दूसरे हाथ के अंगूठे और आपके इंडेक्स फिंगर इस तरह से ग्रिपिंग करेंगे और इस तरह से आप कलाई में आपको मसाज देना है। 1-2 मिनट आप इस तरह से आप यहाँ पे भी मसाज दे सकते हैं। आपको इंस्टेंट 70-80% आपको आराम दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपका लंबे समय का सर्वाइकल है तो आप ये प्रयोग को आप कंटिन्यू 15-20 दिन तक कर सकते हैं, सुबह और शाम खाली पेट। इसके साथ साथ आप इस एरिया में सीट थेरेपी का भी यूज कर सकते हैं। अब थर्ड पार्ट आता है इसका, सीट थेरेपी। जैसे कि आपको बताया कि हमारा जो अंगूठा है इसका बैक साइड का एरिया आपके नेक को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें जो हमारी 7 वर्टिब्रा हैं इसमें हमें सीट लगानी है। ये मेथी दाने हैं और ये पेपर टेप है। इस तरह से हम इनका प्रयोग करके इस एरिया में हम सीट थेरेपी का यूज करेंगे। ये हमने इस तरह से सीट तैयार रखे हैं
पेपर टेप के साथ, ये मेथी दाने हैं। और इस सर्वाइकल एरिया में हमें यहाँ पे ये लगा देना है, अच्छे से इसे लगा देंगे, ज़्यादा टाइट भी नहीं लगाना ताकि ब्लड सर्कुलेशन भी आराम से हो सके। और इस तरह से हमने इसे लगा दिया। इसके सपोर्ट के लिए आधे इंची टेप को इस पर रोल कर देंगे ताकि अच्छी तरह से चिपका रहे। और इस तरह से हम 6 से 8 घंटे हमें मेथी सीड का प्रयोग करना है। इसके साथ साथ अगर आपका बाएं कंधे में दर्द है तो इंडेक्स फिंगर का जो ये लास्ट पॉइंट है, इस एरिया में भी आप सीड थेरेपी का यूज आपको करना है। इस तरह से हमने ये सीड तैयार किया और ये पेपर टेप के साथ हम इसको इस एरिया में लगा देंगे। इस तरह से हमें हर 2 घंटे में इस एरिया में मसाज दे सकते हैं, हर 2-2 घंटे में। आपको जितना भी पुराना दर्द हो इंस्टेंट आपको आराम मिल जाएगा। और अगर दर्द सर्वाइकल दर्द काफ़ी पुराना है तो इस थेरेपी का यूज आपको कम से कम 15 से 20 दिन तक कंटिन्यू प्रयोग करना है, तभी वो दर्द जड़ से ठीक होगा। इसके साथ साथ ये आपका इंडेक्स फिंगर है, ये आपका थंब है, इसका जहाँ पर दोनों फिंगर जुड़ती हैं इस एरिया में, अंगूठे और आपका इंडेक्स फिंगर, आपकी तर्जनी उंगली और अंगूठे से इस तरह से हमें इस एरिया की भी मसाज देनी है। हमें इस एरिया को भी स्टिमुलेट करना है। अगर बाएं कंधे में दर्द है तो आपको लेफ्ट हैंड में ही इस तरह से स्टिमुलेट करना है। अगर आपका दाहिने कंधे में दर्द है तो आप राइट हैंड में इस तरह से आप स्टिमुलेट कर सकते हैं। आपको कम से कम 1 से 2 मिनट ये मसाज देनी है। आपको उसी वक्त तुरंत 60-70% आपको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। और दर्द पुराना है तो आप इस थेरेपी का यूज कम से कम 15 से 20 दिन तक कंटिन्यू आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब मेन बात याद रखनी है कि किस दौरान हमें इस सीड थेरेपी का यूज नहीं करना। बुखार की स्थिति में, महिलाओं की प्रेगनेंसी की स्थिति में, पीरियड के दौरान, पेट में अल्सर की प्रॉब्लम हो, या हाल ही का कोई ऑपरेशन हुआ हो, या तुरंत भोजन के बाद, उस वक्त हमें सीड थेरेपी या एक्यूप्रेशर पॉइंट का यूज नहीं करना। बाकी भोजन के 3 से 4 घंटे के पश्चात हम एक्यूप्रेशर पॉइंट थेरेपी और सीड थेरेपी का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से हम दिन में लगा के भी हम अपना काम उग्र कर सकते हैं, या फिर बेस्ट तरीका है कि आप रात को सोने से पहले इसको लगा के आप 6 से 8 घंटे तक लगा के आप इसको रख सकते हैं। और सुबह उठते ही आप इस तरह से इस पट्टी को खोल के आप इसको फेंक सकते हैं। अगर मैग्नेट का आपने प्रयोग किया है तो मैग्नेट का यूज दोबारा हो जाता है, वो रीजनरेट होता है उसकी हीलिंग पावर। अदरवाइज आप मेथी सीड, मूंग की दाल या मटर का प्रयोग आप एक बार यूज करने के बाद उसको दोबारा रीयूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी हीलिंग पावर चली जाती है। इस तरह से आपको इनका केवल एक ही बार प्रयोग करना है, मेथी सीड, मूंग या फिर मटर के दानों का। मैग्नेट को आप रीयूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हेल्थ, योग और एक्यूप्रेशर से रिलेटेड आगे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।